everyone. I am Vanna Kavar, faculty of AAFT School of Journalism and Mass Communication. आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ बेसिक स्टेप्स को ध्यान में रखकर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। As a fresher, आप इन बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स को ध्यान में रखकर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। कभी कभी ये चैलेंजिंग होता है कि फिल्म के लिए क्या आइडिया ले। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रियल स्टोरीज को ही पिक करना होता है। ये कोई भी पर्सनालिटी बेस्ड या इवेंट बेस्ड आइडिया हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी कोई भी एथलीट हो सकती है या कोई भी फेमस पर्सन जिसकी लाइफ वर्थफुल है, या कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है। ये फिल्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो सबसे सिंपल होता है गूगल पर जाओ, सर्च करो और देखो कि उस टॉपिक पर कितनी फिल्म्स बनी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पर्सनालिटी बेस्ड फिल्म बनानी है तो आप सर्च कर सकते हैं म्यूजिक पर्सनालिटी और पॉलिटिकल पर्सनालिटी और फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उन पर बनी फिल्म्स देख सकते हैं। यहाँ से आपको फिल्म को कैसे बनाना है इसका आइडिया मिलेगा। इसके साथ ही स्टोरी कैसे दिखाते हैं, स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, विजुअल्स को अपीलिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये सब पॉइंट्स का आइडिया मिल जाएगा। पर याद रखें, ये डॉक्यूमेंट्रीज आप इंस्पिरेशन और आइडिया जनरेशन के लिए देख रहे हैं, प्लेजरिज्म के लिए नहीं। इसके साथ ही आप अपने आइडिया का बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिल्म कैसी होगी इसके लिए पहले ही वर्कआउट करना चाहिए। फिल्म की बिगनिंग, मिड और एंड क्या होगा इस पर भी आपको सोचना चाहिए। इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी। स्टोरी लाइन के लिए पहले नोट डाउन करना चाहिए कि आप फिल्म की स्टोरी लाइन क्या रखने वाले हैं। अगर आप किसी पैरा ओलंपिक प्लेयर पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो फिल्म को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बिगनिंग, मिड और एंडिंग। बिगनिंग में आप रख सकते हैं फिल्म का कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस होगा, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है। इसके बाद मिड पार्ट में दिखा सकते हैं कि उस पर्सनालिटी का मोटिवेशन या स्ट्रगल क्या रहा, उनके फैमिलीज और फ्रेंड्स के इंटरव्यूज, पेरेंट्स को उनका प्रोफेशन पसंद है या नहीं। एंड को सिंपल भी रख सकते हैं कि फ्यूचर गोल्स क्या है या किस तरह की परेशानी तो नहीं है या किस तरह से वो अपना फ्यूचर देखते हैं। सोर्स को सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, इससे आप बेहतर इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। जब भी सोर्स से क्वेश्चन पूछे उसे आंसर कंप्लीट देने को बोले। इससे ऑडियंस को आंसर का बैकग्राउंड समझ आता है। जैसे आप कौन सा गेम खेलते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ऐसा करने से आंसर पूरा मिल पाएगा। इंटरव्यू शूट करने के लिए टेक्निकल टिप्स भी जरूरी हैं। जैसे सोर्स से इंटरव्यू लेते टाइम रूल ऑफ थर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। सोर्स का इंटरव्यू लेते टाइम कैमरा सामने ना होकर साइड एंगल पर होना चाहिए, इससे अच्छा प्रोफाइल क्रिएट होता है। जैसे मैं बात सामने कर रही हूँ पर मेरा कैमरा साइड में हो। कैमरा सेटअप सोर्स के ना तो बहुत नजदीक होना चाहिए ना ही बहुत डिस्टेंस पर। लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग शूट, ये सोर्स को डेप्थ देती है। इंडोर और आउटडोर दोनों ही शूट में लाइट का ध्यान रखना होगा। आपका सब्जेक्ट ना तो ओवर एक्सपोज्ड हो और ना ही अंडर एक्सपोज्ड। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स का ध्यान रखना और क्रिएटिवली विजुअल्स को कैप्चर करना जरूरी है। जितने डिफरेंट कैमरा शॉट्स होंगे उतनी बेहतर एडिटिंग हो पाएगी। एज वी कैन से दैट डॉक्यूमेंट्री इज जस्ट नॉट अबाउट द एक्चुअलिटी बट इट इज ऑल्सो द क्रिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ रियलिटी थ्रू ऑडियो विजुअल मीडियम। शूटिंग के टाइम अच्छे माइक का यूज करना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए लेपल माइक और बूम माइक का यूज कर सकते हैं। म्यूजिक और साउंड के लिए हमेशा कॉपीराइट का ध्यान रखें। रॉयल्टी फ्री म्यूजिक का यूज करना चाहिए या आप ओरिजिनल म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं।
एडिटिंग फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एडिटिंग टेबल पर ही स्क्रिप्ट फाइनल होती है, कौन से शॉट को कब लगाना है, वॉइस ओवर कहाँ लगाना है, किस एंगल से फाइनली फिल्म बनेगी, ये सब एडिटिंग में डिसाइड होता है। इसके पहले डॉक्यूमेंट्री एक आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही शूट होती है। शूट किए गए फुटेजेस, इंटरव्यूज, वॉइस ओवर, म्यूजिक और साउंड को एडिटिंग में एक साथ क्लब करके एक स्टोरी की फॉर्म में रेडी किया जाता है। इसके बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए तैयार हो पाती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट्री बना पाएंगे। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के और ट्यूटोरियल्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद AFT मास कॉम पेज। थैंक यू एंड गुड बाय।